नमस्कार दोस्तों, 17th में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। सो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ब्लड प्रेशर मीन्स प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। हमारी आर्टरीज हार्ट से निकल के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 mm ऑफ Hg रहता है। पूरे दिन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कम भी होता है, मगर जब आपका ब्लड प्रेशर 120/129 और 80 mm Hg रहता है तो आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। लेवल वन है, उसमें ब्लड प्रेशर आपका 130/40 रहता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80/90 रहता है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। और लेवल टू, जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से अबाव रहता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90/100 रहता है, तो इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 150/180 रहता है और डायस्टोलिक 90/110 रहता है, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। ब्लड प्रेशर के कई रीजंस होते हैं, कई टाइम रीजन नहीं भी मिलते हैं, उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर के रीजंस होते हैं जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज अनकंट्रोल है, किडनी का प्रॉब्लम्स है, ऐसे कई बीमारी की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं।